Olha aqui. Mahoday, bahut bada ans anubhav aur logo ki kahi suni baaton se dekhe hue drishyon se aur kul tatha samaj ki parampara se prapt hota hai. Cinema is sabhi prakar ke gyan ki प्राप्ति में सहायक हो सकता है क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है, उससे तो कहीं अधिक अमीट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती है बहु तेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है उनसे मालूम होता है कि बहु तेरी फिल्में दूसरी कोटि की है जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है। विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह नहीं तो गौण अवश्य है और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह
सेवे का हित करे न कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है।